हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। मुझसे बहुत से लोग ये क्वेश्चन आई थिंक हर रोज आता है, एक दो क्वेश्चन आते ही आते रहते हैं कि आप अपने स्किन का राज बताइए, अपने हेयर्स का राज बताइए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं बोलूं कि मैं बहुत सुंदर हूं या फिर मेरे बाल बहुत दुनिया से अलग हैं, बहुत अच्छे हैं। नहीं, आपका जब बेबी हो जाता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब आपका बेबी हो जाता है उसके बाद आप ये भी बोल सकते हो कि आप अपनी केयर नहीं करते हो या फिर बालों का झड़ना तो नेचुरल ही है। तो इन सब चीज़ों को लेके ऐसा नहीं है कि सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है, 50-60% लोग साथ ऐसा प्रॉब्लम होती है कि जब बेबी हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चे के ध्यान रखने में हम अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि हम अच्छा खाते पीते नहीं हैं, हम उतना न्यूट्रिशन नहीं ले पाते, उतना विटामिन्स नहीं ले पाते हैं कि हमारी स्किन ग्लो करे, हमारे हेयर्स काफ़ी अच्छे रहें। सबसे बड़ी बात है लड़कियों के साथ है कि सबसे ज़्यादा ये होता है कि वो अपने एज से थोड़ा सा कम लगें। तो आज मैं अपनी लाइफ का एक ऐसा ही सीक्रेट लेके आई हूँ कि जिससे मैं ये सारी चीज़ें मैनेज करती हूँ, अपनी स्किन को एक बहुत अच्छा सा ग्लो देती हूँ, हेयर्स काफ़ी अच्छा रहते हैं मेरे। देखिए, सबके साथ ऐसी प्रॉब्लम है कि हर समय आप मेकअप नहीं लगा सकते हो, बहुत ज़्यादा लिप कलर लगा सकते हो, काजल लगा सकते हो, इसके अलावा आप हर रोज ना ही अफोर्ड कर सकते हो और ना ही आपकी स्किन अलाउ करेगी कि आप जो है फाउंडेशन डेली बेसिस पे लगाओ, ये सारी चीज़ें डेली बेसिस पे लगाओ। लेकिन जब आप कोई चीज़ ऐसी खाते हो जिससे कि आपकी स्किन नेचुरल ग्लो करती है, यानी कि कभी आपके पास टाइम नहीं हुआ तैयार होने का लेकिन आप ऐसे ही चले गए और फिर भी आपकी स्किन ग्लो करती है। जी हाँ, आज मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ कि मैं ऐसा क्या लेती हूँ और आई थिंक 10-20 रुपए में आप अपनी एज से 10 साल कम लग सकते हैं। जी हाँ, कि मात्र 10-20 रुपए में। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यहाँ पे आज कोई आपको प्रोडक्ट बताने वाली हूँ, रिव्यू बताने वाली हूँ। जी नहीं, बहुत ही नेचुरल चीज़ लेके आई हूँ मैं आज। हर किसी के घर में लोकल मार्केट में मिल जाएगा, इवन आपके घर के बगल में जो छोटा सा जनरल स्टोर होता है वहाँ पे भी आपको ये इजीली मिल जाएगा। तो 10-20 रुपये में ईजिली आप इसे मंगाइए। इसे कैसे यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगी। लेकिन अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में ही बेल आइकन लगी है जो छोटी सी घंटी जैसी बनी है, उसे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्योंकि मुझसे बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि आप वीडियो डालते हो लेकिन मुझे मिलता नहीं, वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए आपको अलसी चाहिए। तो मैं मार्केट से 250 ग्राम अलसी लेके आई हूँ, 250 ग्राम्स, और उसके बाद मैंने इसे बहुत अच्छे से साफ़ किया, जो थोड़े बहुत भी कुछ था वो मैंने निकाल दिया है। और इसके बाद मैं इसका हाफ़, यानी कि अंदाजन मैं इसका जो हाफ़ है वो अलग एक कटोरी में निकाल के रख दूँगी, जिससे कि मैं इसे जो हेयर पैक्स या फिर फेस पैक वो मैं जो लगाती हूँ या जो कंडीशनर मैं बनाती हूँ इस अलसी से, उसका भी वीडियो बहुत जल्दी आएगा। तो उसके लिए मैं इसे सेपरेट करके रख दूँगी। ये मैंने सेपरेट करके रख दिया है अपने फेस पैक एंड हेयर कंडीशनर के लिए। उसके बाद जो हाफ बचा है उसको आपको एक फ्राई पैन गरम करना है, कुछ भी ऑयल वॉयल नहीं डालना है, जस्ट गरम करना है और आपको इसमें इसे रोस्ट करना है। और यकीन मानिए ये बहुत टेस्टी होता है। थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा लो फ्लेम भी मत करिएगा, हाई भी मत करिएगा, जो मीडियम फ्लेम होती है उससे आपको इसे ऐसे ही चलाते जाना है। और अभी ये चटकेंगे, यानी कि ये अपने आप फूलेंगे, पता चल जाएगा कि आपको ये हो गए हैं, तो वो भी मैं आपको पूरा प्रोसेस में दिखाऊँगी किस तरह से। तो अभी मैं इसे लो फ्लेम पर ऐसे ही चलाती रहूँगी क्योंकि थोड़ा बहुत जल ना जाए या कुछ भी, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसे ऐसे ही चलाते रहना है। और कलर चेंज करना स्टार्ट कर दिया है अलसी ने, तो आप भी अंदाजन यही करिए, 250 ग्राम ला के रख दीजिए, आधा उसका बना के ये रखिए। और इसमें भी अभी मैं बताऊंगी कि आपको किस तरह से दो तरीक़ों से इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए, इसने चटकना स्टार्ट कर दिया है, मैं कैमरा जूम करके दिखा रही हूँ, तो इस तरह से ये काम करता है और इसने चटकना यानी कि ये बनना स्टार्ट हो गया है। तो ये पूरी तरह से बनना जो है वो बन रहा है और इसमें भी आपको धीरे धीरे चलाना है और इस समय गैस बिल्कुल धीमी कर देनी है, वरना पूरा जो अलसी के ये जो बीज हैं पूरे पैन से बाहर आ जाएंगे। तो अगर आप चलाएंगे नहीं तब भी ये बाहर आ जाएंगे। और थोड़ा सा फेस दूर रखिएगा क्योंकि ये बहुत तेज़ी से चिपकते हैं और वहाँ पर आप जल भी सकते हैं, तो फेस थोड़ा दूर रखते हुए
आप जो है इसको ऐसे ही चलाते रहिए ताकि ये बाहर ना आए। और ये आपका जो है इडली पूरी तरह से रोस्ट हो चुका है और अपनी गैस को इस समय बंद कर दीजिए। आपको उसे ऐसे ही रख देना है, जब ये ठंडा हो जाए तब आप इसे मिक्सी में कूचेंगे पीसेंगे। तो एक बार हाथ से टच करके देख लीजिएगा कि ये ठंडा हो गया है कि नहीं हो गया। बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, मतलब मीडियम हो कि आप इसे छू सकते हो, सह सकते हो आपकी स्किन जो है। और इसके बाद आपको इसका आधे से थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में आप इसे पीस कर रख लीजिए और ये आपका जो पाउडर है वो रेडी हो जाएगा। और इसमें से थोड़ा सा यानी कि इसका एक पार्ट आप इसे ऐसे ही रख लीजिए, मैं इसे एक अलग सेपरेट जार में रख लूँगी ताकि जो लोग भी चिल्ला खाते हैं, जो लोग भी एग खाते हैं या कोई भी आप जैसे सैलड खाते हो, कुछ भी खाते हो, उसमें आप इसे रोस्टेड अलसी के बीज को स्प्रिंकल करके खा सकते हो। ये वैसे भी बहुत टेस्टी होते हैं, तो ये मैं अलग सेपरेट करके रख दूंगी, कोई भी चीज़ बनाऊंगी उसमें मैं खा सकती हूँ। और इसे मैं अच्छे से ग्राइंड करूंगी। तो यहाँ पे मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और ये पाउडर रेडी है, क्योंकि इसमें ऑयल होता है इसीलिए थोड़ा सा ऐसा है। और आप एयर टाइट कंटेनर में इसे भर के रख दीजिए और आगे मैं वीडियो में बताती हूँ कि आपको इसे कैसे लेना। और ये मेरे अलग के अलसी के बीज हैं जिसे मैं अलग सेपरेट। फ्रेंड्स, आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है और इसे कैसे लेना है। जस्ट आपको इसे रात में जो छोटा वाला चम्मच होता है, छोटा वाला, उसे हाफ टेबल स्पून आपको लेना है। मैंने आपको मेजरमेंट करके दिखाया है लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट बता रही हूँ। बड़ा वाला चम्मच नहीं, छोटे वाले चम्मच का भी हाफ स्पून आपको एक महीने लेना है। फिर आप 10 दिन जैसे ड्रॉप कर दीजिए, फिर आप एक महीने लीजिए, फिर आप 15 दिन ड्रॉप कर दीजिए, यानी रेगुलर बेसिस पे मत लीजिएगा। फिर उसके बाद आप ड्रॉप कर दीजिए, फिर एक महीना ड्रॉप कर दीजिए, फिर लेते रहिए। इससे क्या है, आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी, आपके हेयर बहुत अच्छे रहेंगे, आपके नेल्स बहुत अच्छे रहेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि आप अपनी उम्र से 5 से 10 जो है वो साल कम के लगोगे, और मतलब इवन आपको वेट लॉस भी होगा, इससे वेट लॉस भी होगा, बॉडी मेंटेन रहेगी, घुटनों की प्रॉब्लम नहीं होगी, ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि अगर इस चीज़ को आपने ऐड कर लिया तो बहुत सारी बीमारियों से आप दूर रहोगे और सबसे बड़ी बात है कि आप सुंदर लगोगे। अगर ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आया हो तो भर भर के लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।